हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड का एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, वो है एस्ट्रीजेंट। तो जैसे हमने पॉइजन एंटीडोट देखा है, वैसे ही एस्ट्रीजेंट का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं एस्ट्रीजेंट के बारे में। इसके टू एग्जांपल्स हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, देन हमारी यूनिट फोर्थ कंप्लीट हो जाएगी, फिफ्थ यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो बात कर लेते हैं एस्ट्रीजेंट की। तो एस्ट्रीजेंट ऐसे एजेंट हैं जो स्वेलिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, इंफ्लामेशन होता है, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक भी काम करते हैं। एजेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो क्या है, एज एन एस्ट्रीजेंट सबस्टेंस इज ए केमिकल कंपाउंड। क्या है, केमिकल कंपाउंड दैट टेंड टू श्रिंक और कॉन्स्ट्रिंक बॉडी एंड प्रिसिपिटेट द प्रोटीन। मतलब कि जो बॉडी है उसको श्रिंक करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, मतलब जो इंफ्लामेशन होता है उसको कम करते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ना, प्रिसिपिटेट द प्रोटीन और प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली जो स्वेलिंग होती है उसके अंदर प्रोटीन बन जाता है, तो उस प्रोटीन को क्या है कि ये प्रिसिपिटेट कर देगा, तो जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। एंड एस्ट्रीजेंट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सर्फेस, और जो भी लेयर जहां पर भी इसको अप्लाई करेंगे उस लेयर के ऊपर ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेंगे हमारे एस्ट्रीजेंट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई, इसकी डेफिनेशन भी हो गई। तो पता चल गया आपको एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं। ड्यू टू द प्रोटीन एक्शन, मतलब कि प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कर देता है एस्ट्रीजेंट, इसके कारण एस्ट्रीजेंट आर एबल टू रिड्यूस सेल परमिएबिलिटी। इसके कारण इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जो सेल की परमिएबिलिटी है वो कम कर देता है। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, ये स्किन है, सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी कारण और स्वेलिंग आ गई है तो इसके अंदर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गई है लिक्विड की, तो इसको कम करेगा तो ये स्वेलिंग इजीली कम हो जाएगी। तो ये क्या रोल है किसका, एस्ट्रीजेंट का। द रिड्यूस लोकल एडेमा, मतलब कि जो लोकल, जैसे कोई भी हमारा लोकल पार्ट है उसके ऊपर एडेमा है, एग्जुडेशन है, इंफ्लामेशन है, उसको क्या करेगा, कम करेगा। एडेमा का मतलब भी वही है, स्वेलिंग है। एग्जुडेशन का मतलब है कि हल्का हल्का ब्लड आ रहा है या इंफ्लामेशन है। तो अब स्वेलिंग और इंफ्लामेशन में क्या डिफरेंस है कि स्वेलिंग में नॉर्मल आपकी स्वेलिंग होगी, लेकिन इंफ्लामेशन में क्या होगा, स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, इंफ्लामेशन। ये ही इतना ही डिफरेंस है। बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रीजेंट, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। अफेक्ट ओनली द सुपरफेशियल स्किन, सॉरी सुपरफेशियल लेयर, रिड्यूस सेल्यूलर परमिएबिलिटी, मतलब जो हमारी सुपरफेशियल स्किन है उसको ही ये अफेक्ट करते हैं, उसके आगे ये नहीं पेनिट्रेट करते हैं और सेल्यूलर परमिएबिलिटी को कम करते हैं, इसका करैक्टरिस्टिक्स है। मेक द सरफेस मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, डिक्रीज एक्सोडेशन, मतलब जो इस सरफेस है जहां पर इसको अप्लाई किया उसको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और अगर कोई थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी कम करेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इरिटेशन, एक्सटर्नल इरिटेशन से भी प्रोटेक्ट करेंगे। पोसेस लोकल एंटीसेप्टिक एक्शन, इसका एक बहुत ही अच्छा एक्शन है, लोकल एंटीसेप्टिक का काम करेंगे ये। बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो थ्री टाइप्स के बेसिकली हमारे एस्ट्रीजेंट्स होते हैं। फर्स्ट है वेजिटेबल एस्ट्रीजेंट, जैसे टैनिक एसिड हो गया, गैलिक एसिड हो गया, जो बेसिकली एज एस्ट्रीजेंट काम करते हैं। मेटालिक एस्ट्रीजेंट में देखिए एल्यूमिनियम साल्ट हो गए, जिंक साल्ट हो गए, एज एस्ट्रीजेंट इनको हम यूज में लेते हैं। मिसलेनियस में आ गया वेरी कोल्ड वाटर, जो कॉमनली इजीली अवेलेबल हो जाता है, एल्कोहल, ये मिसलेनियस है, ये भी टाइप है किसके, एस्ट्रीजेंट के। तो अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडिकेशंस की, क्या क्या इंडिकेशंस है एस्ट्रीजेंट के, कैसे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। स्वेलन इंफ्लाम एंड लीकी टिश्यू, जो स्वेलन इंफ्लाम और लीकी टिश्यू होते हैं उनके ऊपर बेसिकली एस्ट्रीजेंट को अप्लाई किया जाता है। दे आर यूज टू ट्रीटेड डायरिया एंड डिसेंट्री, डायरिया और डिसेंट्री में इसका बेसिकली यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ड्यूरिंग माइनर ब्लीडिंग लाइक मीनोहोरिया, माइनर ब्लीडिंग में भी इसको अप्लाई किया जाता है, जिससे जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जा सके।
दे प्रमोट हीलिंग प्रोसेस, जो हीलिंग प्रोसेस होती है किसी भी वून की, घाव की, उसको ये इंक्रीज करता है। दे डिक्रीज स्वेटिंग एंड प्रोसेस डिओड्रेंट प्रॉपर्टीज, डिओड्रेंट प्रॉपर्टी भी है क्योंकि ये स्वेटिंग को डिक्रीज करता है, स्वेटिंग को कम करता है, तो ईजिली स्मेल जो है वो नहीं आएगी, डिओड्रेंट की तरह वर्क करेगा। तो ये था हमारा एस्ट्रिजेंट, इसके एग्जाम्पल्स हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, जल्द ही 5 यूनिट भी हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।